शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। संजय राउत जिनको कुछ टाइम पहले ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार वो जेल के अंदर बंद हैं और उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है वो 5 सितंबर तक बढ़ाई गई है, यानी कि 5 सितंबर तक लगातार वो जो है जुडिशियल कस्टडी में बंद रहेंगे। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट दी गई है और ये जो अपडेट दी गई है वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि संजय राउत के ही वकील के द्वारा दी गई है। संजय राउत के वकील विक्रांत सबने के द्वारा एक अपडेट दी गई है जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर अंदर संजय राउत की फर्स्ट जमानत याचिका जो है कोर्ट में दाखिल की जाएगी और उस पर जल्द ही फैसला होगा और मैक्सिमम चांसेस है कि संजय राउत जो है जल्द ही जमानत पर बाहर निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो ऐसा कि उनके द्वारा अपडेट दी गई, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि उनकी याचिका पर, जमानत याचिका पर 5 सितंबर को ही, यानी कि जिस दिन उनकी जुडिशियल कस्टडी ख़त्म हो रही है उसी दिन जो है सुनवाई भी हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है कि संजय राउत को क्या जमानत मिल पाएगी, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि इनके ऊपर 234 करोड़ रुपये का जमीन घोटाले करने का आरोप लगा है और इससे पहले इसी तरह के केस में लमसम उनसम मिलता जुलता केस जो है वो नवाब मलिक और अनिल देशमुख के केस में था और उन दोनों लोगों को पिछले काफ़ी टाइम से गिरफ्तार किया गया है और पिछले कई महीनों से वो लगातार जेल के अंदर बंद हैं। तो क्या उसके बावजूद भी संजय राउत को यहाँ पे जमानत मिल पाएगी, क्या संजय राउत 5 सितंबर के बाद जेल से बाहर आ पाएंगे, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। अब 5 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।